Hello, assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel, it's me Maha Khan. Ummeed karti hu aap sab khair khairiyat se honge. Aaj main laayi hu aapke saath ek nayi video share karne ke liye. Yeh hai reception bridal makeup look. Jaisa ki aap sab jante hain ki wedding season is on aur jo hai uski wajah se hame hamesha jo hai ek nayi look chahiye har shaadi pe, har function pe, har get together pe hum chahte hain ki hamari ek new look हो, बहुत अच्छा मेकअप हो. तो बहुत सारे आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं कि लोग ज़्यादातर खुद जो है पार्लर या सलून जाने की निस्बत खुद तैयार होना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो उसके लिए मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी हो अपना मेकअप खुद करने के लिए. ब्राउज़ मेरी डन हो चुकी है और कंसीलर मैंने एपीके का लगाया है शेड 03 क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट बेस चाहिए थी अपनी आंखों के लिए. तो उसकी वजह से मैंने लाइट शेड यूज़ किया है. ब्लू मैं अपने क्रीज एरिया पर लगा रही हूँ, ब्लू कुछ इस तरह का जिसमें ग्रेश सा टोन आए. और उसके बाद अच्छा इसी तरह मैंने इसके मिड में ग्रे कलर भी थोड़ा सा अप्लाई किया है. बहुत ज़्यादा आपने नहीं अप्लाई करना, लाइट से अप्लाई करना है. फिर मैंने बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और जो जिसकी हार्शनेस थी वो मैंने कम की है. एक छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश आपने लेना है, उस पर आपने ब्लैक शेड लेना है और आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में ब्लैक शेड अप्लाई करना है डेप्थ देने के लिए और स्मोकी लुक देने के लिए. फिर मैंने सिल्वर शिमरी शेड लिया है और उसको मिड ऑफ द आई लगाया है. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन की बेस जो ग्लिटर के लिए यूज़ होती है. और साथ में रिवाज का मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ एंड शेड सिल्वर. बहुत इजी, बहुत बहुत ज़्यादा इजी मेकअप लुक है. शेड्स भी बहुत कम यूज़ हुए हैं इसमें और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की भी क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट सा शेड है. तो ये जो कलर मैं शेड का यूज़ कर रही हूँ तो इसको ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस आपने हार्शनेस कम करनी होती है कलर्स की. जो कोई भी लाइट शेड आप जो बड़ा ब्लेंडर होता है ब्रश जो होता है उसके साथ आप ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप कम कर सकते हैं. बेस जो है मैंने अच्छा सबसे पहले मैंने लगाया था सीरम एलोवेरा का डॉक्टर रेशियल का. फाउंडेशन के ना मैंने डेफी का फाउंडेशन लगाया है. ब्लश और कंटोरिंग मैंने ऑफ द कैमरा इसलिए किया है क्योंकि ये मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है. बार बार शेयर करने से आप लोगों ने भी बोर हो जाना है सो इसलिए मैंने अवॉइड की शेयरिंग इन चीज़ों की. मेकअप लुक बहुत ईजीली मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है और आप ख़ुद भी इसको घर में कर सकते हैं. बस ये है कि आपने ब्लेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है. उम्मीद करता हूँ सबको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी के मौसम को इंजॉय करें, बारिश को भी इंजॉय करें और यहाँ भी दीजिए मुझे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.